के नेतृत्व में नीट कमला देवी नीमराणा के छात्रों का धरना प्रदर्शन, वे यादव ने अनशन तोड़ा। जयपुर के शहीद स्मारक पर विभिन्न संगठनों के द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके प्रदर्शन किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में उपस्थित नाराज युवाओं ने जबरदस्त जोश के साथ में किए गए वादा खिलाफी के प्रति नाराजगी जग जाहिर की गई है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 6 दिन पूरे हो चुके हैं, महेश जोशी ने अनशन तोड़वाया है। आज शाम 5:30 बजे प्रतिनिधि मंडल कुलदीप राका से वार्तालाप करेगा, लेकिन सरकार में अभी तक इनकी मांगों पर विचार नहीं किया। रीट के एग्जाम देने गए मांडन कमला देवी महाविद्यालय में, लेकिन पेपर 1 घंटा देरी से पहुंचा। इस दौरान हंगामा हो गया और कलेक्टर महोदय ने पेपर दोबारा करवाया, लेकिन महाविद्यालय एवं पुलिस कर्मियों ने अब अपना बचाव करने के लिए 6 निर्दोष परीक्षार्थियों को फंसाकर बच निकले और छात्रों पर मुकदमा दर्ज करके सरकारी कर्मचारियों को बचा लिया गया। निर्दोष छात्रों को फंसा दिया। पीड़ित छात्र के पिता ने बताया कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा, उपेन्द्र यादव, निवाई विधायक प्रशांत बेरवा, प्रताप सिंह खाचरियास आदि को ज्ञापन देकर मुकदमे को वापस लेने का आग्रह किया है। उपेन्द्र यादव ने आज अनशन तोड़ा है सरकार के आश्वासन पर। कर रहा हूँ आज शहीद स्मारक, जो उपेन्द्र यादव जी के नेतृत्व में विभिन्न धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो कमला देवी महाविद्यालय में जो 6 निर्दोष लोग जो उनको बेकुशी हुए, उनको हाथ के और प्रशासन कर्मचारी बच निकले हैं। बात करो, आप यहाँ क्यों बैठे हो? हमारा सेंटर मंडल थाना में था कमला देवी महाविद्यालय में, और हम प्रशासन के खिलाफ, स्कूल प्रशासन के खिलाफ ये आवाज़ उठाई कि यहाँ घड़ी नहीं है, पेपर 1 घंटा लेट हो गया, वहाँ स्कूल कॉलेज में स्कूल में किताबें मिल गई, इसके बारे में बोला तो हमारे ऊपर ये मुकदमा दर्ज कर दिया गया। दो मुकदमे दर्ज कर दिए, राजकारी बात हमारी। आप क्यों बैठे हैं? बच्चा है मेरा। कितने दिन से बैठे हो आप? 6 दिन से लगातार बैठे हो। उपेन्द्र जी से मिले आप? उपेन्द्र जी से मिले। अभी आज भी मिले हो क्या? आज ही मिला हूँ। उनकी तबीयत कैसी है? आप कैसे बैठे हो? देखिए, यहाँ जो मंडल निमराणा में जो कमला देवी महाविद्यालय थी, वहाँ रेड का सेंटर आया था, और वहाँ के कर्मचारी और पुलिस प्रशासन अपने आप को बचाने के लिए निर्दोष परीक्षार्थियों को वहाँ पर बैठा लिया गया, और वो भी उपेन्द्र जी यादव के नेतृत्व में यहाँ पर धरने स्थल पर बैठे हुए हैं।